नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के चुनावी माहौल में भाजपा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के शामिल ना होने को लेकर विपक्ष को लगातार निशाना बना रही है। हालांकि अब इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को उल्टा निशाने पर लिया है। उन्होंने झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश ने जश्न मनाया। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे आदिवासी हैं और अगर भाजपा को एक भी सीट झारखंड से मिली तो यह दमन और बढ़ेगा। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 6 महीने के भीतर पीओके भारत में आ जाएगा। अब उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि चीन ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है उस पर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीता जी का अपहरण करने रावण भी भगवा वस्त्र पहनकर आया था। उन्होंने कहा कि भगवा रंग के कपड़े पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के इसी बयान पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है। नाना पटोले चाहें तो हम उन्हें चीनी सीमा पर भेज सकते हैं, वे चाहे तो देख कर आ जाएं। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नाना पटोले वही नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि राम मंदिर अशुद्ध है, उसका शुद्धिकरण करना है, क्योंकि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर गई थी। ऐसी घटिया सोच कांग्रेस पार्टी में कूट कूट कर भरी है। कभी वे आदिवासी समाज का अपमान करते हैं, कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं। पूनावाला ने कहा कि इनके पूरे गठबंधन का चरित्र हिंदू विरोधी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी के आरोप में चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और राज्य की तमलुक सीट पर भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। यह रोक आज मंगलवार शाम 5 बजे से प्रभावी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने आयोग से इस मामले में शिकायत की थी, उसके बाद ही आयोग ने यह फैसला किया। आयोग ने भाजपा उम्मीदवार की टिप्पणी की निंदा भी की। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीते बुधवार को हल्दिया की एक सभा में भाषण के दौरान ममता बनर्जी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंगलवार को उड़ीसा के संबलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सत्तारूढ़ बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नवीन बाबू ने उड़ीसा का अपमान किया है। उत्कल भूमि पर शासन यहाँ का भूमि पुत्र ही करेगा। जगन्नाथ यात्रा को बंद करने की पूरी साजिश की गई थी। शाह ने कहा कि उड़ीसा का लोकेशन सुंदर है, लेकिन मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ है। उन्होंने आगे कहा कि नवीन बाबू की सरकार झोले की सरकार है। पीएम मोदी यहाँ जो 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपने फोटो वाला झोला लगाने का काम करते हैं। गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि सत्ता में आने पर हम 18 महीने के भीतर चिटफंड घोटाले में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहली प्रतिक्रिया आई है। उपराज्यपाल ने स्वाति मालीवाल के ऊपर हुए कथित हमले पर दुख जताया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि इस मामले में सबसे चिंतित करने वाली बात यह है कि ये घटना मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई है। उपराज्यपाल ने बताया कि स्वाति मालीवाल ने उन्हें फ़ोन पर घटना की जानकारी दी। जारी बयान में कहा गया है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर हुई कथित हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। कल फ़ोन पर स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनके सहकर्मियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों के बारे में बताया। एलजी सक्सेना ने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। एलजी ने आगे कहा कि वैसे तो स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों को लेकर मेरी आलोचना की है, लेकिन फिर भी उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अस्वीकार्य है।
उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले उनके साथी राज्यसभा सदस्य ने मीडिया के सामने घटना की पुष्टि की और कार्रवाई की बात कहने के बाद यूटर्न ले लिया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बताती है। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और मैं आश्वासन देता हूं कि मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में SIT ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टाफ का बयान दर्ज किया है और साथ ही मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा जब्त की गई डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड यानी DVR को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और मामले में आरोपी विभव कुमार के घर से भी दिल्ली पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस कल सोमवार 20 मई को ही विभव कुमार को घटना के नाट्य रूपांतरण के लिए केजरीवाल के आवास पर लेकर आई थी और पुलिस की टीम करीब 1 घंटे तक यहां रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भारत में कोई समर्थन नहीं करता, इनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं, इस पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक पाकिस्तानी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें और पंजाब के लोगों ने हमें 117 सीटों में से 92 सीटें देकर हमारी सरकार बनाई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली और पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर तंज कसते हुए आगे कहा कि PM मोदी ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है, इस बात को आपको इतना घमंड हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे और धमकाने लगे। आप अभी तक PM नहीं बने हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आप प्रमुख ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप PM नहीं बन रहे हैं क्योंकि जनता 4 जून को BJP की सरकार नहीं बना रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरते हुए कहा कि उनके असली दुश्मन पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। CM केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ से आगे कहा कि आप उनसे निपटिए ना, मुझे क्यों गाली देने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। अब उनकी इसी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस ने जब जब देश पर संकट आया है तो अपनी शहादत दी है। इंदिरा गांधी देश पर शहीद हुई थी, राजीव गांधी जिनकी आज पुण्यतिथि है वे देश पर शहीद हुए थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश को छोड़कर भागने वाले लोग और माफी मांगने वाले लोग भाजपा में पाए जाते हैं और शहीद कांग्रेस में पाए जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर संजय राउत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 4 जून के बाद सभी BJP के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो क्योंकि ये भागने वाले हैं। उन्होंने कहा कि न राहुल गांधी कभी भागे और न ही इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागे, हम जेल में गए और संघर्ष किया, ये BJP वाले व्यापारी लोग हैं और ये डरपोक होते हैं, योगी आदित्यनाथ को ये पता होना चाहिए। राउत ने कहा कि योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। कल 20 मई को 5वें चरण के लिए हुई वोटिंग के दौरान हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा ना तो वोट डालने पहुंचे और ना ही उन्होंने BJP के अधिकृत प्रत्याशी की मदद की, जिसे लेकर भाजपा ने जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। झारखंड BJP के महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इससे संबंधित पत्र भेजकर जयंत सिन्हा से 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आदित्य साहू ने पत्र में लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा सीट से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से आप ना तो चुनाव प्रचार और ना ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके द्वारा बढ़ते गए इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें।
दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल आज भी मामले पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जाँच कर रही CBI ने सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कल बुधवार 22 मई को खत्म हो रही थी। ऐसे में उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया, जहां जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। अमेरिका ने भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि वह सभी धार्मिक समुदाय के साथ एक समान बर्ताव को लेकर कई देशों के साथ संपर्क में है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की यह टिप्पणी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद आई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड बीइंग मुस्लिम इन मोदी इंडिया। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि PM मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद धीरे धीरे सेक्युलर फ्रेमवर्क और मजबूत लोकतंत्र को कमज़ोर किया है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों और परिवार का अनिश्चितता और भय के माहौल में पालन पोषण कर रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत द्वारा खारिज कर दिया गया था, और अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने रोज़ाना होने वाली प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बाइडेन प्रशासन धर्म की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम सभी धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ एक समान व्यवहार की अहमियत के मुद्दे पर भारत सहित दुनिया भर के कई देशों के साथ संपर्क में हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार मैथ्यू मिलर इसी रिपोर्ट से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।